गाइस, आप लोगों का स्वागत है एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर के फाइनल एपिसोड में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। लेकिन गाइस, उससे पहले यार, अगर आप लोग चैनल पर नए हो यार, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो और गाइस, आज का लाइक किया है यार 500 लाइक, तो यार 500 लाइक करवा दो। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये होने वाला है एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल एपिसोड, मतलब एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल बैटल आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए यार वीडियो पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए गाइस, सब वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एस ने मिथिकल मास्टर को हरा लिया था, और फिर उसके बाद वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि एस ने सारे पोकेमोन मास्टर मल्टीवर्स मास्टर को हरा लिया है, और अब एस को मिलती है उसकी सेकंड रैंक। और अब उसकी जो बैटल होने वाली है वो होगी मल्टीवर्स मास्टर से, और अगर एस मल्टीवर्स मास्टर को हरा लेता है तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर बन जाएगा। और फिर वहाँ एस बोलता है, इसी का तो मुझे इंतज़ार था, फाइनली आज मैंने सबको हरा लिया, और अब मैं मल्टीवर्स मास्टर को हरा के दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर बन जाऊँगा। और फिर उसके बाद वहाँ नारुतो बोलता है, एस कचम, तुम ये मत भूलो कि तुमने सबको हराया है, लेकिन मल्टीवर्स मास्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं है। उसका साइडोमेटू जब तक नहीं हारता तब तक तुम ये मत सोचना कि तुम बैटल जीत जाओगे, और अगर तुमने एक बार साइडोमेटू को हरा लिया तो तुम समझ लो कि तुमसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन जो है वो है उसका साइडोमेटू, और उसके साइडोमेटू को आज तक कोई भी पोकेमोन नहीं हरा पाया है, यहाँ तक कि हुपा भी नहीं, यहाँ तक कि जिराटिना भी नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है, क्या सच नारुतो, इतना ज़्यादा पावरफुल है उसका साइडोमेटू? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, हाँ एस कचम, मैंने उसकी साइडोमेटू की पावर देखी है, उसने यहाँ तक कि आरसेस को भी टक्कर दिया है। और फिर वहाँ एस बोलता है, क्या सच में उसके साइडोमेटू ने आरसेस तक को टक्कर दिया है? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, हाँ एस कचम, मैंने एक बैटल देखी थी जहाँ साइडोमेटू वर्सेस आरसेस का बैटल हो रहा था। हाँ, साइडोमेटू वर्सेस आरसेस दोनों जन एक दूसरे के टक्कर पे थे, लेकिन आरसेस ने अपना लास्ट मूव यूज़ करके साइडोमेटू को डैमेज पहुंचा दिया, जिसकी वजह से साइडोमेटू आउट हो चुकी है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐसे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मतलब इसकी साइडोमेटू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है, तो एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर का फाइनल बैटल होने वाला है, वो होगा कल, और कल सब लोग रेडी रहना, सारे ऑडियंस भी रेडी रहना, क्योंकि हमको बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दो सुपर पावर की बैटल होने वाली है, और यह दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन बैटल होने वाली है। आज तक इतना हार्ड बैटल किधर भी नहीं हुआ है, दो सुपर पावर एक दूसरे से टक्कर लेने वाले हैं, और आज 50 सालों बाद पता चल जाएगा कि मल्टीवर्स मास्टर का हकदार कौन है, हमारा एस कचम या हमारा मल्टीवर्स मास्टर। और फिर उसके बाद वहाँ सारे ऑडियंस बोलते हैं, मल्टीवर्स मास्टर ही बनेगा इस बार का पोकेमोन मास्टर। और फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है, मैं सबको बता दूंगा, इतिहास बदल दूंगा मल्टीवर्स मास्टर को हरा के। फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है, चलो दोस्तों अब चलते हैं घर पे। और फिर उसके बाद वहाँ एस सरीना नारुतो और मनुष्य गो चारों जन चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ, और फिर चारों जन अपने होम पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ एस सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमेटू को हराने के लिए क्या करूं। और फिर उसके बाद वहाँ एस को याद आता है, क्यों ना इस बार मैं आरसेस की मदद ले लूं, इससे भी ये मेरा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है, हाँ ये सही रहेगा, मैं आरसेस की मदद ले लेता हूँ। और फिर वहाँ एस एक शांति जगह जाता है और वहाँ बोलता है, पोकेमोन के भगवान गॉड आरसेस, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्या आप यहाँ आ सकते हो? और फिर उसके बाद वहाँ बादल में से एक रोशनी प्रकट होती है, जिसमें से एक पोकेमोन निकलता है जिसका नाम रहता है गॉड आरसेस। और फिर वहाँ एस बोलता है, थैंक यू यार गॉड आरसेस, आप मेरे हर एक बुलाव पे आ जाते हो। और फिर वहाँ आरसेस बोलता है, अच्छा एस अब तुम्हें क्या काम हुआ मेरा? और फिर वहाँ एस बोलता है, आज दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन बैटल होने वाला है, जो कि हर 50 साल में होता है, और मैं फाइनल बैटल में पहुँच चुका हूँ, और मुझे मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमेटू को हराने के लिए आपकी ज़रूरत चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? और फिर वहाँ आरसेस बोलता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ये तुम्हारा फाइनल बैटल है और मैं इसमें अपना जीत जान लगा के तुमको जितवा दूंगा। और फिर वहाँ एस बोलता है, जब आरसेस हो मेरे साथ तो डरने की क्या बात। और फिर उसके बाद वहाँ आरसेस भी एस के टीम में आ जाता है। और फिर वहाँ एस के पास दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन गॉड ऑफ पोकेमोन आरसेस भी आ जाता है। और फिर वहाँ एस अपने होम चल पड़ता है। और फिर उसके बाद वहाँ एस बोलता है, नारुतो यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वहाँ नारुतो उसके पास जाता है,
और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, अच्छा ऐश क्या हुआ? और फिर वहाँ ऐश बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है साइडो मिटो को छोड़ के और मल्टीवर्स मास्टर के पास कौन कौन से पोकेमोन है? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, अब मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन उसका जो मेन पोकेमोन है वो है साइडो मिटो, जो कि वो हर बैटल में यूज़ करता है और हर बैटल जीत जाता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं नारुतो, तुमने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू यार, आज मैं फाइनल बैटल में पहुँचा हूँ तो तुम्हारी वजह से पहुँचा हूँ। और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, नहीं ऐश केचम, तुमने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत की इसलिए तुम आज फाइनल बैटल में पहुँचे हो, नहीं तो फाइनल बैटल में हर एक कोई नहीं पहुँच पाता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा ऐसी बात है नारुतो? और फिर वहाँ नारुतो बोलता है, हाँ ऐश केचम। और फिर उसके बाद वहाँ से नारुतो चला जाता है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ सरीना आती है और सरीना बोलती है, ऐश ये तो तुम्हारा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, हाँ सरीना ये मेरा फाइनल बैटल होने वाला है। और फिर वहाँ सरीना बोलती है, ऐश तुमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अगर तुम इस बार मल्टीवर्स मास्टर को हरा लोगे तो तुम पूरे पोकेमोन के दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर बन जाओगे और तुमसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन मास्टर और कोई नहीं रहेगा। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, हाँ सरीना तुमने सच बोला, अगर मैं मल्टीवर्स मास्टर को हरा लूँ तो मैं दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर बन जाऊँगा और मैं इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा मल्टीवर्स मास्टर को हराने के लिए। और फिर सरीना बोलती है, हाँ ऐश केचम मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, थैंक यू सरीना मेरी मदद करने के लिए। और फिर वहाँ ऐश और सरीना दोनों जन बात करते रहते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, सरीना अब चलो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने अपने पोकेमोन्स को और मैं पोकेमोन चॉइस करने जा रहा हूँ। और फिर वहाँ सरीना बोलती है, अच्छा ऐश तो चलो जाओ पोकेमोन चॉइस कर लो। और फिर वहाँ ऐश जाता है ग्राउंड में और वहाँ अपने पोकेमोन्स को निकालता है बाहर और ऐश बोलता है, मेरे सारे पोकेमोन्स आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और अब टाइम आ चुका है कि मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग इस बार पूरा बैटल में पूरा पावर लगा दो और मल्टीवर्स मास्टर को हरा दो। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमोन्स बोलते हैं, हाँ हम लोग पूरा पावर से मेहनत करेंगे और मल्टीवर्स मास्टर को हराने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, थैंक यू यार मेरे सारे पोकेमोन्स। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमोन जमकर ट्रेनिंग करने लगते हैं और ऐश के सारे पोकेमोन्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, मेरे सारे पोकेमोन आप लोग यहाँ आओ और अब मैं जा रहा हूँ अपने टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करने के लिए। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमोन उसके पास आते हैं और फिर वहाँ ऐश अपनी बेस्ट पोकेमोन टीम चॉइस करने लगता है जिसमें से उसका पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन रहता है जो कि रहता है उसका रायक्वेजा जो कि मेगा इवोल्यूशन ले सकता है। जो उसका दूसरा पोकेमोन रहता है वो रहता है म्यूटू जो कि मेगा इवोल्यूशन भी ले सकता है। और जो उसका तीसरा पोकेमोन रहता है वो इस बार चॉइस करता है लुगिया को। और जो उसका चौथा पोकेमोन रहता है वो रहता है पोकेमोन का भगवान गॉड आर्शियस। और फिर वहाँ ऐश बोलता है अपने चारों पोकेमोन्स को, आप लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लो जिससे हम लोग कल का बैटल जीत जाए। और फिर वहाँ ऐश के सारे पोकेमोन बोलते हैं, हाँ ऐश केचम हम लोग पूरी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और फिर वहाँ से ऐश चला जाता है अपने होम की तरफ और फिर वहाँ ऐश अपने होम पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश सरीना नारुतो तीनों जन खाना खाते हैं और तीनों जन खाना खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रात होती है और फिर वहाँ सारे लोग सो जाते हैं और फिर वहाँ ऐश भी सो जाता है। और फिर वहाँ ऐश उठता है और सोचने लगता है कि कल के बैटल में क्या होगा, मैंने बाकी के 15 पोकेमोन मास्टर्स को हरा लिए, क्या मैं कल मल्टीवर्स मास्टर को हरा लूँगा? और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, चलो कल देखा जाएगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आरसीएस की मदद लूँगा वही पूरा पावर लगा के। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश भी सो जाता है। और तभी वहाँ थोड़ी देर बाद सुबह होती है और ऐश उठ जाता है और ऐश बोलता है, चलो मेरे सारे दोस्तों उठो हमको मल्टीवर्स की तरफ जाना है। और फिर वहाँ ऐश के सारे दोस्त लोग उठ जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं मल्टीवर्स की तरफ जाने के लिए। और फिर वहाँ ऐश और ऐश के सारे दोस्त लोग तैयार हो जाते हैं और फिर वहाँ ऐश अपने पोकेमोन्स को भी ले लेता है पोकेबॉल्स में। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश और ऐश के सारे दोस्त लोग सभी लोग चल पड़ते हैं मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ और फिर वहाँ सभी लोग मल्टीवर्स ग्राउंड की तरफ पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि ऐश वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर की बैटल शुरू होने वाली है जल्द। और फिर वहाँ ऑडियंस भी आकर बैठ जाती है जहाँ देखो चारों तरफ वहाँ बस एक ही नाम गूंजता है जिसका नाम रहता है मल्टीवर्स मास्टर। सारे जगह बस मल्टीवर्स मास्टर का नाम गूंज रहा था। और फिर वहाँ स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमोन मास्टर मल्टीवर्स मास्टर स्टेडियम में आ रहे हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद वहाँ मल्टीवर्स मास्टर स्टेडियम में एंट्री लेते हैं फुल हीरो स्टाइल में। और फिर वहाँ ऐश भी जाता है और फिर वहाँ स्टेडियम में रेफरी भी एंट्री लेता है। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है कि ये बैटल होगा
1v1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का, और आप दोनों को बस अपने कोई भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करना है और बैटल करना है। और फिर उसके बाद वह ऐश बोलता है, क्या ये बैटल 1v1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का होगा? मैंने तो अपने 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लाए हैं, तो मुझे कोई भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चॉइस करना पड़ेगा जो कि इसके साइडोमेटू को हरा सके। और फिर वह मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, हाँ ये बैटल मुझे एक्सपेक्ट है। और फिर वह ऐश भी बोलता है, हाँ मुझको भी ये बैटल एक्सपेक्ट है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर अपना पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन साइडोमेटू को भेजता है, साइडोमेटू जाओ। और फिर वहाँ साइडोमेटू जाती है, और फिर वहाँ ऐश साइडोमेटू को देख के शौक हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, पोकेमोन के भगवान गॉड आर्शियस मैं आपको बुला रहा हूँ। और फिर वहाँ से एक रोशनी प्रकट होती है जिसमें से एक पोकेमोन आता है जिसका नाम रहता है गॉड आर्शियस। और फिर वहाँ गॉड आर्शियस भी आ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, वह ऐश कचम मैंने तुम्हारे आर्शियस का नाम बहुत सुना है, उसने बहुत सारे मास्टर्स को हरा लिया है एकदम इजिली, लेकिन मेरे साइडोमेटू को नहीं हरा पाएगा क्योंकि मेरा साइडोमेटू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा चलो बैटल के बाद देखा जाएगा कि किसका पोकेमोन है ज़्यादा पावरफुल, मेरा आर्शियस या तुम्हारा साइडोमेटू, आज रिकॉर्ड टूट जाएगा। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, अच्छा ऐश इतना घमंड है, चलो बैटल करते हैं और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन है कितना ज़्यादा पावरफुल। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, हाँ तो चलो बैटल को शुरू करते हैं। और फिर वहाँ रेफरी बोलता है, तो अब चलो बैटल को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और फिर वहाँ बैटल शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस चलो अभी इसको अपना पावर दिखाया जाए। और फिर वहाँ आर्शियस मुंडी हिलाकर बोलता है, हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाकर हाइपर बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस पूरा पावर लगाता है और हाइपर बीम जनरेट करता है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर भी बोलता है, साइडोमेटू अब चलो अपना कमाल दिखाओ और अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के साइडो बॉल का यूज़ करो। और फिर वहाँ मीटू भी साइडो बॉल का यूज़ करती है, दोनों अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाकर लग जाते हैं और एक दूसरे को डैमेज पहुँचा देते हैं। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस साइडोमेटू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्यों ना तुम अपने ऊपर एक बार शील्ड प्रोटेक्शन लगा लो। और फिर वहाँ आर्शियस मुंडी हिलाकर बोलता है, हाँ। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन का यूज़ कर लो। और फिर वहाँ आर्शियस अपने ऊपर शील्ड प्रोटेक्शन लगा लेता है जिसके बाद आर्शियस के ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होता। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस चलो अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाओ और सोलार बीम का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस पूरा पावर लगाता है, सोलार बीम मार देता है म्यूटू की तरफ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, चलो म्यूटू अभी उससे बचो और अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के साइकिक मूव का यूज़ करो। और फिर वहाँ म्यूटू उससे बचती है और आर्शियस के ऊपर साइकिक मूव का यूज़ करती है जो कि जाकर लग जाता है आर्शियस को और आर्शियस को डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस ये नहीं हो सकता, अभी इसको बना कमाल दिखा जाए और अभी इसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगाओ, ड्रैकोमीटर का यूज़ करो। और फिर उसके बाद वहाँ आर्शियस पूरा पावर लगाता है और ड्रैकोमीटर का यूज़ करता है जो कि जाके लग जाता है अपने मीटू को और मीटू को इस बार बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा देता है। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, वह ऐश कचम तुम्हारा आर्शियस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, शाबाश आर्शियस ऐसे ही करते रहो, हम लोग बैटल जीत जाएंगे और वो भी ये बैटल बस 1v1 पोकेमोन्स का है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, आर्शियस चलो अभी यही टाइम है, उसके ऊपर एक बार टैकल अटैक का यूज़ करो। और फिर वहाँ आर्शियस दौड़ कर जाता है और टैकल अटैक मार देता है मीटू की तरफ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, चलो साइडो मीटू बहुत हुआ टाइम, बस अब टाइम आ चुका है कि तुम अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है साइको स्ट्राइक। और फिर वहाँ साइडो मीटू शर्म बोलती है, हाँ। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर बोलता है, चलो साइडो मीटू पूरा पावर लगा के आर्शियस के ऊपर साइको स्ट्राइक का यूज़ करो। और फिर वहाँ मल्टीवर्स मास्टर का साइडोमेटू पूरा पावर लगाता है और साइको स्ट्राइक जनरेट करता है। और तभी वहाँ ऐश भी बोलता है, चलो आर्शियस टाइम हो चुका है कि तुम ये अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करो जिसका नाम है गॉड ऑफ डिटेक्शन। और फिर वहाँ आर्शियस भी गॉड ऑफ डिटेक्शन का यूज़ करता है, दोनों अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, एक दूसरे को जाकर टकरा जाते हैं और उस वक्त पूरा स्टेडियम हिलने लगता है, चारों तरफ स्टेडियम में बस धुआं ही धुआं दिखता है, पूरा उस वक्त बादल काला हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रोशनी फैली होती है पूरे स्टेडियम में। और बस सबको यही देखना था कि किसका पोकेमोन डैमेज हुआ है। और फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ से रोशनी हटती है और वहाँ तभी साफ साफ दिखाई देता है कि मल्टीवर्स मास्टर का म्यूटू डैमेज होने वाला है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, चलो आर्शियस अभी उसके ऊपर एक बार पूरा पावर लगा के हाइपर बीम का यूज़ कर दो। और फिर वहाँ आर्शियस हाइपर बीम का यूज़ कर देता है जिसके बाद जो कि जाके लग जाता है साइडोमेटू को और साइडोमेटू उसको सह नहीं पाती और गिर जाती है धरती पर और वो आउट हो जाती है।
और फिर उसके बाद वहाँ रेफरी आता है और रेफरी बोलता है कि ऐश के आर्सेस ने मल्टीवर्स मास्टर के साइडोमीटू को हरा लिया, अब यहाँ का नया मल्टीवर्स मास्टर बनता है ऐश कैचम। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश कैचम मल्टीवर्स मास्टर बन जाता है और फिर वहाँ स्टेडियम अनाउंसमेंट होता है कि फाइनली मल्टीवर्स मास्टर हार चुका है और ऐश कैचम मल्टीवर्स मास्टर बन चुका है। और फिर वहाँ ऐश को सभी लोग बोलते हैं, वाह ऐश तुमने तो मल्टीवर्स मास्टर को हरा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर वहाँ का ऐश मल्टीवर्स मास्टर बन जाता है और उससे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर कोई नहीं है। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है पोकेमॉन के न्यू वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। लेकिन गाइस उससे पहले यार मैं आपको बता दूं, यार आप लोगों ने बहुत सारे सीरीज देखे होंगे जैसे कि एस वर्सेस डैड, एस वर्सेस मल्टीवर्स मास्टर। लेकिन गाइस ये सीरीज सबसे अलग होने वाली है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, इसलिए यार ये वीडियो को पूरा देखना आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन गाइस उससे पहले यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और गाइस आज का लाइक ये है यार 100 लाइक, तो यार प्लीज़ यार 100 लाइक करवा देना। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐश अपने घर के बाहर निकलता है और जाता है प्रोफेसर ओक के कैबिन की तरफ। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश प्रोफेसर ओक के कैबिन में पहुंच जाता है और फिर वहाँ ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक अब तो मेरा सपना पूरा हो चुका है, मैं पोकेमॉन मास्टर भी बन चुका हूँ और वहीं मल्टीवर्स मास्टर भी बन चुका हूँ, और अब पूरे पोकेमॉन के दुनिया में मुझसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर और कोई नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ ऐश कैचम तुम सच बोल रहे हो, तुमने सारे मास्टर को हरा लिए हैं और अब पूरे पोकेमॉन के दुनिया में तुमसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं रहा। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर ओक मुझको पता है, लेकिन प्रोफेसर ओक और कोई भी बैटल चल रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट ले सकूँ? और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश कैचम मुझे तो बस मल्टीवर्स के बारे में पता था, लेकिन ऐश मैं तुमको एक जन का नाम बताता हूँ, तुम उनके पास जाओ, उनके पास पूरे पोकेमॉन की दुनिया की खबर है कि बैटल इस वक्त कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है, कौन सी बैटल भी हो रही है, उन्होंने ही मुझे मल्टीवर्स के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, अच्छा प्रोफेसर ओक उन्होंने बताया था आपको मल्टीवर्स के बारे में? और फिर वहाँ प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ ऐश कैचम उन्होंने ही बताया था। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, प्रोफेसर ओक तो जल्दी मुझको उनका नाम बताओ। और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश कैचम उनका नाम है प्रोफेसर कुकोई। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच में प्रोफेसर कुकोई को सब पता है इस समय बैटल कहाँ चल रही है? और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ ऐश कैचम तुम वहाँ जाओ, उनसे पूछो तो तुमको सब बताएंगे। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश चल पड़ता है प्रोफेसर कुकोई के होम की तरफ। और फिर वहाँ ऐश प्रोफेसर कुकोई के होम पहुँच जाता है और फिर ऐश बोलता है, प्रोफेसर कुकोई क्या आपको पता है कि इस वक्त पूरे पोकेमॉन की दुनिया में कोई भी बैटल चल रही है? और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, क्या ऐश तुम्हें नहीं पता है इस समय पूरे पोकेमॉन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बैटल चल रहा है जिसका नाम है ओमनीवर्स बैटल, मतलब तुम्हारा बैटल होने वाला है अलग अलग ओमनीवर्स मास्टर से जो कि पूरे एक यूनिवर्स का मालिक रहते हैं। और ऐश अगर तुमने वहाँ के सारे पोकेमॉन मास्टर को हरा लिया तो तुम पूरे पोकेमॉन के दुनिया के पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर माने जाओगे, उसके आगे और कोई भी पोकेमॉन मास्टर है ही नहीं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच में अगर मैं ओमनीवर्स मास्टर को हरा लूँगा तो क्या मैं पूरे पोकेमॉन की दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर माना जाऊँगा, मतलब पूरे पोकेमॉन के यूनिवर्स का? और फिर वहाँ प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, हाँ ऐश कैचम ये बात सच है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, प्रोफेसर कुकोई क्या आपको पता है मैं ओमनीवर्स मास्टर में बैटल के लिए कैसे पार्टिसिपेट ले सकता हूँ? और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, अच्छा तुम्हें ओमनीवर्स जाना है? और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, हाँ प्रोफेसर कुकोई आप मुझे वहाँ जल्दी भेज दो क्योंकि हमको ओमनीवर्स मास्टर बनना है। और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, चलो मैं ओमनीवर्स का दरवाज़ा खोल देता हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या ओमनीवर्स बैटल भी अलग ही दुनिया में हो रही है? और फिर उसके बाद वहाँ प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, हाँ ऐश कैचम ओमनीवर्स बैटल भी अलग ही दुनिया में हो रही है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश और प्रोफेसर कुकोई दोनों जन चल पड़ते हैं ओमनीवर्स के गेट की तरफ। और फिर उसके बाद वहाँ दोनों जन गेट की तरफ पहुँच जाते हैं और फिर प्रोफेसर कुकोई बोलते हैं, ऐश चलो जाओ तुम उस गेट के अंदर। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश गेट के अंदर चला जाता है और फिर उसके बाद वो नीचे गिरते जाता है और फिर वो जाके एक लड़के के ऊपर गिर जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं कि आप यहाँ खड़े थे। और फिर उसके बाद वहाँ वो लड़का बोलता है, अरे मुझको भी नहीं पता था कि आप यहीं गिरने वाले हो। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश उठता है और ऐश बोलता है, आपका नाम क्या है? और फिर उसके बाद वहाँ वो लड़का बोलता है, मेरा नाम है टाइजन। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, आपका नाम क्या है? और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, मेरा नाम ऐश है। और फिर वहाँ ऐश बोलता है, क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे? और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा इस पूरे पोकेमॉन के दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है, थैंक यू यार मेरे दोस्त बनने के लिए।
और फिर वहाँ ऐश बोलता है, टाइजन क्या तुम्हें पता है कि ओमनिवर्स बैटल कहाँ हो रहा है? और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, क्या तुम्हें भी ओमनिवर्स बैटल में जाना है? और मैं भी वहीं जा रहा था बैटल की टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि बैटल शुरू होने वाली 5 दिन बाद। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या सच में? मैं यहाँ बैटल देखने के लिए नहीं, मैं यहाँ बैटल करने के लिए आया हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम ओमनिवर्स मास्टर को हराओगे? और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और फिर वहाँ टाइजन बोलता है, अच्छा कौन हो आप? और फिर उसके बाद वहाँ ऐश बोलता है, मैं इस बार का पोकेमोन मास्टर हूँ और पूरे पोकेमोन की दुनिया का मल्टीवर्स मास्टर हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ टाइजन बोलता है, क्या सच में आप ही हो वही ऐश कैचम जिसने पूरे पोकेमोन की दुनिया में सारे मास्टर को हरा लिए थे और मल्टीवर्स मास्टर बने इस ईयर के? और फिर उसके बाद